हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। एक तरफ से देखा जाए तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगा आप सबके लिए, काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगा। बाकी देखा जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ कोई आपके लिए काफ़ी ये खुशखबरी वाला ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो काफ़ी आपको सुनने में बात काफ़ी ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, अब तो आपका इस बार DRDO एग्ज़ाम यहाँ पर आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो पहले तो हम आज के कट ऑफ की बात करेंगे। 21 नवंबर मतलब आज जो एग्ज़ाम हुआ है, 17 से लेके 21 नवंबर तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं सारे ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। आज 21 नवंबर को क्या कट ऑफ निकल के आने के चांसेस है, कैसा है, सब कुछ है, ये सारे ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। देन उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ की बताएंगे कि क्या चांसेस ऐसा सुनने रहेगा, ये सारी चीज़ों पर हम आपके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेटेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन, सारे पर्पल के सारे इन्फॉर्मेशन पूरा सारे ये देखा जाए तो एक तरफ से आपको रिजल्ट का, एडमिट कार्ड, नए सारे जो भी गवर्नमेंट के जॉब्स की वैकेंसी निकलती है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब की सारे इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करता है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका सारा इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाइए। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स होता है सब्जेक्ट्स में, एग्ज़ाम में, कुछ भी हो, तो वो हमारे चैनल पे कमेंट्स करता है कर सकता है। प्लस ईमेल आईडी दिया गया है, अगर किसी को डाउट्स है, किसी चीज़ का नोट्स चाहिए तो वो हमारे ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकता है, तो हम उनको PDF फॉर्मेट में या जिस भी फॉर्मेट हमारे पास नोट्स सारे सब कुछ है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो स्मार्ट नौकरी चैनल देखा जाए तो आपका पूरा A to Z पूरी हेल्प करता है आपको जॉब अचीवमेंट सब का, प्लस रिजल्ट का, DV का सारे इन्फॉर्मेशन ये आपको बताता है। तो खैर चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन पे कि मेन इन्फॉर्मेशन है कि आज जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, DRDO का एग्ज़ाम चल रहा है, सबको पता है 17 तारीख से आप सबका एग्ज़ाम है और अब ये 23 तक चलेगा, तो एक दो दिन और रहेगी आपके एग्ज़ाम को, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेशन बताया जाएगा। जितना 17 से लेकर 23 तक के सारे एग्ज़ाम्स में सबका एक लास्ट एक्सपेक्टेड आएगा कट ऑफ, बट हम हर दिन का कट ऑफ इसलिए बताते हैं कि जिसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन मिल जाता है कि हाँ इतना आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, तो मुझे कम से कम इतने नंबर तक का मेहनत करना है। अगर हमें पता हो कि हाँ इतने नंबर तक मेहनत हो अगर रहेगी हमारी तो हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमें हमारे लिए इसलिए हम आपको कट ऑफ के हर दिन के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होता है कि हमें पता होना चाहिए मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स से जाने के चांसेस है कट ऑफ, मुझे कितने मार्क्स के लिए मेहनत करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन जो मैं आज आपको देने वाली हूँ। पहले तो मैं बता देती हूँ आज का पेपर कठिन गया है कि आसान गया है, पहले इस पर मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ जैसे कल का पेपर गया था वैसे ही गया, आसान ही गया, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं गया है पेपर जाके। बस एक फर्स्ट और सेकंड दिन का पेपर बहुत सुनने में आया था कि कठिन गया है, GK कठिन गया है, रीजनिंग और मैथ्स में बहुत सारे कठिन क्वेश्चन पूछा गया है, बट आज जो बच्चों का आज और कल का जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पे, तो पेपर आसान ही गए हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछे गए हैं। तो ये कभी कभी कैसा होता है कि ज़्यादा शायद आज जो इतने जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया है उसमें शायद ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले बच्चे आए हों, कल और परसों थोड़े कम आए हों, तो ऐसा हो सकता है पूरा सब कुछ, इस वजह से शायद वो पेपर्स हार्ड गए होंगे, इस वजह से शायद आज वाले पेपर्स इजी गए हों, कुछ भी रीज़न हो सकता है हमें उसका मतलब नहीं है। हम हर दिन के एक्सपेक्टेशन इसलिए बताते हैं कि आपको थोड़ा सा एक बार अनुभव हो जाए कि हाँ ऐसे जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन इतने कट ऑफ हैं, इतने नंबर के चांसेस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो पेपर्स नॉर्मली गया है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया है। तो पहले चलो कट ऑफ पर बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी यहाँ पर। आज के पेपर सब कुछ देखने के बाद कट ऑफ यहाँ पर जनरल कैटेगरी का आपका कट ऑफ बनने वाला है 120 से 125 तक बनेगा, जनरल कैटेगरी का 120 से 125 तक जाने के चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं OBC का, OBC का यहाँ पे 120 से 122 तक जाने के चांसेस, 125 तक नहीं जाएगा, 122। और सेम EWS का भी यही है, ठीक है। EWS और OBC के नंबर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होते हैं, तो आपका ये EWS एंड OBC में इतने नंबर तक जाने के चांसेस है, ठीक है। अब बचता है SC कास्ट का, SC कास्ट यहाँ पे जाने के चांसेस है 115 तक जाने के चांसेस है, 115 से 117, 120 तक नहीं जाएगा, 115 से 117 नंबर तक अगर आपका आ रहा है मतलब आपका क्लियर है, यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं ST कास्ट का, ST कार्ड का यहाँ पे 110 तक जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 110 से कम हो सकता है, 110 से ज़्यादा नहीं हो सकता,
यहाँ पे। और अब बात करते हैं हैंडीकैप वालों का, 90 से ज़्यादा कम कुछ नहीं होने वाला है। हैंडीकैप का यहाँ पे फिक्स ही होता है, आप 2-3 साल के पेपर्स भी निकाल के देख लो, हैंडीकैप का 90 से बहुत ज़्यादा ऊपर कम नहीं जाता, 1 नंबर या 2 नंबर आगे पीछे होता है, बाकी इससे कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो मेन अभी मैंने जो भी था आज की जो आपके हिसाब से आज जो पेपर्स गए हैं उसके ऑब्जर्वेशन, उसका कट ऑफ मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ऑलरेडी अब मुझे थोड़ा सा आपको ये बताना है जो मैंने यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा था, 17 से 21 आज नवंबर है, 17 से लेके जो 21 के ऑब्जर्वेशन सब कुछ देखने के बाद कट ऑफ को मैंने ये बताने वाली हूँ कि आपका कट ऑफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नहीं जाएगा, 130-135 तक नहीं जाने वाला है, 125 के नीचे तक ही सबका यहाँ पे कट ऑफ रहेगा, क्योंकि 3-4 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद जो कट ऑफ निकल के आती वही आपका फाइनल हो जाता है, बाकी उसका कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखा जाए तो मैं लास्ट बोल सकती हूँ 125 के नीचे ही अब कट ऑफ जाएगा, 126-27, 28-30 तक नहीं जाने वाला है, ये जनरल कैटेगरी का मैं बता रही हूँ। बाकी आप समझ सकते हो जनरल कैटेगरी का जो 125 है तो SC ST इससे थोड़ा कम ही जाने वाला है, ठीक है। तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ था जो मैं आपको बताने वाली थी कि 3-4 दिन से लेके जो ऑब्जर्वेशन निकल के आए हैं सब कुछ देखने के बाद, तो अब यही इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेहनत करते रहिए आप लोग, जिन लोगों का बच्चे का भी एग्ज़ाम बाकी है 125 तक लाने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।